अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को 21वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाएंगे चीज़ी पनीर चिली गार्लिक पटेटो बाइट्स। 3 आलू को मैंने नमक डालकर उबाल लिया है। एक मैशर की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। सारे आलू के पीसेस को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। पांच से छह बारीक चॉप की हुई लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के चिल्ली फ्लेक्स, 1 चम्मच ओरिगेनो यानी कि मिक्स्ड हर्ब्स, नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। चार से पांच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च जाएगी इसमें। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। एक छोटा बोल भर के ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, इससे अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। 2 बड़े चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो इसकी जगह पर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें। इन सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर मिक्स होकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें 1/2 बोल चीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 से 6 स्लाइस चीज़ यूज़ की है। सौ ग्राम के करीब पनीर लिया है मैंने यहाँ पर, उसे हम खींच के ऐड करेंगे। फिर से हम पनीर और चीज़ को इस बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमारा बैटर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। हाथों को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बैटर का एक पोर्शन लेते हुए हम इसे रोल करेंगे। अब हम इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, कट करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा। इसी तरीके से हम सारे रेक्टेंगल्स रेडी कर लेंगे। अब हम इसे मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे। मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम से इसे अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे।
इसी तरीके से हम सारे पीसेस को कोट करके रेडी कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की इफ्तार रेसिपी, यानी कि चीजी पनीर चिली गार्लिक पटेटो बाइट्स। जितना लंबा चौड़ा फ्रेंड्स इसका नाम है, इसका टेस्ट उतना ही यमी है, क्योंकि हमने पनीर और चीज़ दोनों ही ऐड किए हैं इसमें। मार्केट में जैसा मकेन मिलता है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही लगता है। अगर मकेन खाने का मन हो तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आइए आप लोग भी मेरे साथ इस इफ्तार में शामिल हो जाइए। इस तरह की अच्छी अच्छी इफ्तार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी रेसिपीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।